एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू ग्लोरी। आई एम भाग्यश्री चिंतावार। टुडेज टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ 9th CBSE, बट ये मैं आज इसलिए ले रही हूं बिकॉज इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। मैक्सिमम टाइम्स ये अगर अभी नहीं पढ़ा, स्कूल में अगर नहीं पढ़ा, तो ये टॉपिक हमें तंग करेगा कॉलेज तक, और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो बच्चों, ये सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कहां से आया, फ्रॉम वेयर इट कम्स, देन आफ्टर दैट किसने निकाला है ये, हु इज द पेरेंट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, वॉट इज मीन बाय मोल कॉन्सेप्ट, वॉट इज द नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ऑल अदर थिंग्स, दे हैव मेनी क्वेश्चंस, एंड टू फाइंड द आंसर यू हैव टू सी होल वीडियो। सी बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में जाने के बाद भी थोड़ी कठिनाई आती है कि एग्जैक्टली ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं कि ये नंबर हर एक चीज में कैसे मिलता है और ये कांस्टेंट क्यों है। तो इसके पूरे आंसर्स अभी आपको मिलने वाले हैं, बट विदाउट स्कीपिंग ये आपको पूरा वीडियो देखना है, और आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इज दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एट then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be get notified about my upcoming videos. okay, so see here, ये मोल कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बताऊंगी। ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूं। सो बच्चों, be concentrate towards video. सी हियर, मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में आई विल टेक एग्जांपल ऑफ वन सिंपल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड टॉइस H2+O2 गिविंग राइज टू टॉइस H2O। ये रिएक्शन की तरफ देखते हुए हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। सिंपल सी चीज है बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सबको पता है। इसे मैं और एक तरीके से भी यूज कर सकती हूं, और ये है जैसे 4 यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 यूनिफाइड मास ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, सो 2 ऑक्सीजन का 32। ओके, सो 4 यूनिफाइड मास दैट इज 4U ऑफ हाइड्रोजन, 32U ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म A। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, कितने यूनिफाइड मास मिलेंगे। सो बच्चों, ये इसका आंसर जो है कैसे निकालना चाहिए, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ। इसका यूज करके आप किसी भी चीज का एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास किस तरह से निकाला जा सकता है, ये आपको समझ में आएगा। सो फिलहाल मैं हेल्प करूंगी आपको, बाद में आप ये वीडियो देख लेना। सो बच्चों, सी हियर, वाटर जो है टॉइस H2 है, सो 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हाइड्रोजन एटम का 1 है, प्लस ये 32, इन दोनों को मिलाना है बस। सो कितने बनेंगे ये, डायरेक्टली यू कैन राइट 36। देन इसे हम किस तरीके से बताएंगे, 4U, U का मतलब यूनिफाइड मास है, 4U ऑफ H हाइड्रोजन, 32U ऑफ ऑक्सीजन गिविंग राइज टू 36U ऑफ वाटर। सो इसे देख के आपको दो कंक्लूजन मिल गए रिएक्शन को देख के। पहला कंक्लूजन जो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, दूसरा कंक्लूजन है कि कोई भी सब्सटेंस हम मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी गेट 2 आइडियाज, द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन द रिएक्शन,
can be explained with the help of first one, number of atoms or molecules. Number two, about it masses. Okay. So, लेकिन ये दोनों चीजों में better कौन सा है? Masses, instead of masses, ये reaction में आपको easy कौन सा लगता है? हाँ, भले ही हम moles तैयार करने के लिए ये basic preparation कर रहे हैं, लेकिन easy way कौन सा है? सबसे पहली बात, सब्सटेंस को अगर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ये भी बढ़िया है और इट्स मासेस भी बढ़िया है. लेकिन जब हम रिएक्शंस एक्सप्लेन करते हैं एट द एक्सप्लेन इन द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हाट हैपन एग्जैक्टली व्हाइल एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज बेटर एज कंपेयर टू मासेस एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट To avoid such types of confusion, a new concept arises that is called mole. So, what do you understand about the mole? Mole का मतलब ये एक ऐसी quantity है कि जिसमें आपको कितनी number of atoms, molecules और ions present है ये आपको पता चलेगा. So, इसे कहते हैं mole. Understand these things? So, ये mole जो है, mole का एक specific number है. और ये स्पेसिफिक यूनिट भी है. इसे यूनिट का मतलब सॉरी टू से यूनिट नहीं कह सकते हम इसे, इसे अलग सा सिंबल है. सो क्या है ये मोल? सो सी हियर, ये जो मोल है ना बच्चों, मोल ये है 6.022 इंटू 10^23. दिस इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस कांस्टेंट. ओके, अवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट, या फिर इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर. ओके, सो बच्चों अवोगाड्रोस ने एन जीरो, कैपिटल एन और लोअर स्क्रिप्ट में या फिर लोअर केस में जीरो, एन जीरो ऐसे सिंबल दिया है इस अवोगाड्रो नंबर को. और ये जो है एक्चुअली दिस नंबर इज ड्यू टू द इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो अवोगाड्रो, इसीलिए इसका नाम अवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर अवोगाड्रो नंबर रखा गया है. सो इसका यूज कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, अभी इसकी बारी है कि इससे आपको क्या करना है, क्या साबित कर रहे हो आप या फिर क्या बता रहे हो इसके बारे में. हाँ ठीक है, ये है नंबर, इट्स ओके, लेकिन क्या कनेक्शन है हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई का या फिर आयंस का या फिर ये नंबर का? बच्चों कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें. कोई भी चीज आप लो, कोई भी आपको अगर लेना है, आप वन मोल ऑफ कार्बन लो तो आपको कार्बन्स में 6.022 इंटू 10^23 ये ही नंबर मिलेगा इतने एटम्स का. कोई भी चीज लो आप, वन मोल ऑफ सब्सटेंस लो, कोई भी वन मोल ऑफ सब्सटेंस लो, इसमें कितने एटम्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे या फिर इसमें कितने आयंस रहेंगे, कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे. सो इसके लिए मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप या फिर ब्लॉक डायग्राम आपको बताऊंगी. सो बच्चों सी हियर, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा वन मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर मैंने यहां पे वन मोल ऑफ कार्बन एटम लिखा है, सो यहां से हम इस प्रकार से कनेक्टिविटी करेंगे. इसका मॉलिक्यूल वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना रहेगा? इसी के एटॉमिक मास इतना ही रहेगा जो हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. So, कितना है बेटा? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. ओके, ये है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. लेकिन कार्बन्स में कितने कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे या फिर सॉरी टू से मॉलिक्यूल्स कार्बन के नहीं रहते, कार्बन के एटम्स रहते हैं क्योंकि ये मोनो एटॉमिक ही रहता है. सो वन मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स आपको मिलेंगे? यस ऑब्वियसली जैसे मैंने अब भी बताया था
6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. See here, ये जो value है, ये value और ये value, ये values हमेशा coordinate रहती है, यानी कि carbon का mass जो है, वो 12 gram है, और 1 mole of carbon में atoms भी इतने ही आते हैं, so आपको 1 mole of carbon अगर लेना है, तो 1 mole of carbon का मतलब इसमें 12 gram, 12 gram ही carbon आएंगे, और इसमें number of atoms कितने आएंगे? 6.022 into 10 to the power 23. बस इतने ही आपको carbon atoms मिलेंगे. At the same time, we can write about the hydrogen atoms also. See बच्चो, 1 mole of hydrogen atoms. अगर आप 1 mole of hydrogen atom लोगे, तो यहाँ पे आपको कितने grams वाला मिलेगा hydrogen? Obviously, 1 gram. Okay? 1 gram of hydrogen. ये भी आपको इसी ग्राम में ही मिलेगा. यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? Yes, no doubt. ये तो वैल्यू कभी चेंज होती ही नहीं. 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. So बच्चों, 1 मोल ऑफ कार्बन लोगे तो भी वही आंसर मिलेगा. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, लेकिन इनके पर्टिकुलर ग्राम्स अलग-अलग रहेंगे. यानी ग्राम्स की क्वांटिटी, मास की क्वांटिटी आप भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अवोगाड्रोस नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है. अगर आप काउंट करोगे कितने एटम्स मिलेंगे, तो 1 ग्राम में आपको उतने ही एटम्स मिलेंगे जितना कि हमारा अवोगाड्रो नंबर है. सो और एक चीज लेते हैं, क्यों हाइड्रोजन और कार्बन ही, हम एनी सब्सटेंस ले सकते हैं. सो मैं यहां पे ये भी लिखूंगी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. एनी में आप जो भी लिखोगे वो कंसीडर होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. अब एनी सब्सटेंस में जरूरी नहीं है बच्चों कि एटम्स ही होने चाहिए. सी हियर, एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, और यू कैन टेक आयंस आल्सो. आप आयंस भी ले सकते हो, लेकिन इसका मास कितना लोगे फिर, क्योंकि मैंने नाम तो बताया ही नहीं. एनी सब्सटेंस वाला कौन सा नाम है वो? यस, अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. जो भी कुछ क्वांटिटी आप 1 मोल ले रहे हो उसका रिलेटिव मास, रिलेटिव मास आपको लेना है. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये रिलेटिव मास हमेशा ग्राम्स में ही होना चाहिए. 1, ये है रिलेटिव मास, ये भी सेम है. और अभी अगर आप रिलेटिव मास ले रहे हो एनी सब्सटेंस वाला, यू कैन टेक एटम मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंसेस, नो रिस्ट्रिक्शंस, देन आल्सो वी गेट 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स लोगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो भी यहाँ पे एक ही नंबर मिलेगा. ये नंबर कभी चेंज नहीं होने वाला. अभी ये है हमारा अवोगाड्रोस नंबर. अभी मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो ले लिया, एटम भी है, आयंस भी है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको फोकस करना है कि यहाँ पे सिर्फ मुझे मॉलिक्यूलर ही चाहिए, तो यहाँ पे आप उसका मॉलिक्यूलर मास कंसिडर कर सकते हो. लेकिन कैसे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास भी हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए. और ये नंबर, ये तो नंबर कभी चेंज नहीं होगा, 6.022 into 10 to the power 23. सो बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पे मैंने ओरली बताया, अभी मैं लिख के दे रही हूँ. 1 मोल ऑफ अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो आप, सो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, जस्ट अ सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम. ओके, सो बच्चों ये क्या है, ओरली बताने से बेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. फिर 6.022 into 10 to the power 23. अब ये मैंने पूरा लिख के दिया है, ये अंडरलाइन. यहाँ पे ना बच्चों मॉलिक्यूल लिया है ना, तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूल लिख सकते हो. सो यहाँ किस प्रकार से
ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार मैं आपको बताऊंगी. सो सी हियर, वन मोल ऑफ कार्बन है तो 12 ग्राम ही रहेगा, लेकिन ये नंबर कांस्टेंट. हाइड्रोजन के बारे में 1 ग्राम रहेगा, ये कांस्टेंट. वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के बारे में रिलेटिव मास रहेगा, एनी सब्सटेंस है तो रिलेटिव मास, और यहाँ पे एटम्स रहेंगे. इन्हें मैं आपको यहाँ पे लिख सकती हूँ, एटम्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, आयंस भी. यहाँ पे मैंने ऑब्लिक 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 करके दिया है, इसलिए जो चीज आप यहाँ पे ले रहे हो वो ये नंबर यही रहेगा, और ये उतना पार्टिकल लिख सकते हैं हम. जितना ये ना ये लिया है उतने ही पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, 6.022 × 10²³. मॉलिक्यूल अगर लिया है तो आपको रिलेटिव मास नहीं लेना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है, लेकिन वो भी ग्राम में. और वहां उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यस नो डाउट, 6.022 × 10²³. सो बच्चों ये कितना इजी है, देखो ना, सिर्फ आपको ये एटॉमिक मासेस जो है ये पता होने हैं, और ये कैसे पता रहने हैं, क्या लिखने हैं, कितने रहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं मैं आपको, उससे वहां से पता चलेगा कि एटॉमिक मासेस कौन से और कितने कितने रहते हैं. देन आफ्टर दैट ये वन मोल ऑफ, ये अलग अलग चीजें मैंने बताई, लेकिन इतना चार्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है. ये मिडल वाला पोर्शन देखो ना, हर एक चीज वन मोल, और लेफ्ट हैंड साइड वाला हर एक चीज का आंसर सेम. यानी यहां से हमें पता चलता है आपके पास अगर वन मोल ऑफ कोई भी चीज है तो उसमें कितने रहेंगे एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी चीज हो कितने रहेंगे, 6.022 × 10²³. जैसे वन डजन, ओके वन डजन अगर लेते हैं तो हम 12 पीस लेते हैं, वन ग्रॉस अगर लेते हैं तो हम 144 पीस लेते हैं. तो चीज छोटी होए, छोटी है या बड़ी है ये मैटर नहीं करता. डजन का मतलब 12, ग्रॉस का मतलब 144, वैसे मोल का मतलब 6.022 × 10²³. भूलना नहीं, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. We'll be right back.